एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और ये वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम बात कर रही हूँ। मैंने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया और वो क्यों लिया, किस लिए लिया, वो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ ताकि मैं इसे जल्दी से एडिट करके डाल सकूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ, मैं वो 3 हफ्तों से करना चाहती थी पर मैंने किया नहीं। ये है लैक्मे का न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इस पॉइंट पे क्या जरूरत है, ये सनस्क्रीन थोड़ा खास है इसलिए इसका रिव्यू है। ये है आपका टिंटेड सनस्क्रीन, यानी ये जो सनस्क्रीन है इसका जो कलर होगा वो आपके स्किन टोन से मैच करता होगा, यानी स्किन शेड का कलर है। यूजली सनस्क्रीन का इस टाइम पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कम से कम घर के बाहर निकलना है, ज़रूरत नहीं तो मत निकलिए। अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो हाँ, आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है। और बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास एक ना एक सनस्क्रीन घर में होता है, तो फिलहाल सनस्क्रीन में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच्ची में कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये सनस्क्रीन ऐसा था कि मुझे लगा इसका रिव्यू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाएगी जो कि अक्सर सनस्क्रीन के साथ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग। सो आप देख सकते हैं ये है लैक्मे का सन एक्सपर्ट टिंटेड सनस्क्रीन। ये आपको देता है 50 SPF। ये 50 ml का है और इसका प्राइस है 300, पर आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, आज का डिस्काउंट में चल रहा है। इसका 100 ml साइज भी आता है, यानी दो साइज में आता है, 30 ml एंड 100 ml। यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी 97% UVB रेस को ब्लॉक करेगा। ये नेचुरल टोन अल्ट्रा मैट है, ये ऑल स्किन टाइप है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। बैक पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है ये आपको SPF 50 प्रोवाइड करेगा। ये आपको UVB और UVA रेस, जो हार्मफुल रेस होती हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसमें आपको कुकुम्बर और लेमन ग्रास का एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा जिसकी वजह से ये सनस्क्रीन आपको काफ़ी लाइट लगेगी। ये नॉन स्टिकी है और आपको देगा इवन टोन। और ये सनस्क्रीन कुछ इस टाइप की दिखती है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्किन कलर का है, न्यूड कलर पर काफ़ी लाइट फेयर स्किन टोन काइंड का ये शेड है। अगर मैं इस सनस्क्रीन की बात करूं तो ये फिजिकल सनस्क्रीन है, यानी जब आप लगाते हो तो ये आपके स्किन के ऊपर ही रहेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी। जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके सनस्क्रीन में होना चाहिए, वो दोनों यहाँ पे हैं और जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है। इसमें आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी अच्छे सनस्क्रीन के लिए। इसमें पैराबेन नहीं है पर इसमें परफ्यूम है, तो जिनको प्रॉब्लम होती है परफ्यूम के, परफ्यूम से उनके लिए दिक्कत है। बहुत तेज़ परफ्यूम नहीं है, जब आप स्मेल करोगे तो आएगा, पर काइंड ऑफ जो ब्यूटी प्रोडक्ट से आती है अजीब सी धीमी धीमी खुशबूदार काइंड ऑफ स्मेल, वैसी स्मेल है। मुझे भी स्मेल नहीं पसंद, खासकर स्किन केयर में ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे मैंने इसको लगा के दिखाया है, आप देख सकते हैं ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है और मैं इससे बहुत आराम से इसे ब्लेंड कर सकती हूँ। जो प्लस पॉइंट है इसके साथ, जो कि सनस्क्रीन होती हैं या तो वो वाइट कलर की होती हैं या तो जेल फॉर्म में होती हैं और उन्हें ब्लेंड करना मुश्किल होता है, खासकर जो वाइट लोशन या वाइट क्रीम काइंड ऑफ जिनका बेस होता है उनको ब्लेंड करना मुश्किल होता है और वो शायद आपको वाइट कास्ट भी दें, यानी आपका फेस एकदम वाइट वाइट चमकेगा। पर ये क्योंकि आपके स्किन टोन का है तो ये ज़्यादा आपके स्किन से ब्लेंड हो जाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा फेस वाइटिश लग रहा है क्योंकि ये काइंड ऑफ जो शेड है वो एकदम फेयर लाइट टोन का शेड है, जो स्किन टोन शेड होता है। तो जो बहुत डार्क स्किन वाले हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि उन पे तब भी ये वाइट लगेगा, पर कुछ देर बाद ये काइंड ऑफ नॉर्मल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये सनस्क्रीन आपको क्लीन फेस पे अप्लाई करनी है बाहर निकलने से 20 मिनट्स पहले, उन सभी एरिया पे जो कि आपके डायरेक्ट सनलाइट जिस पे पड़ सकती है, और 3 से 4 घंटे के बाद आपको इसे रीअप्लाई करना है। और ये चीज़ एक्चुअली हर सनस्क्रीन के साथ होती है कि ऑब्वियसली आपको 3 से 4 घंटे बाद उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, काइंड ऑफ उनका असर कम हो जाता है। और अगर आपका फेस कॉन्टैक्ट में आता है वाटर के या आपके फेस पे पानी पड़ जाता है तो काइंड ऑफ सनस्क्रीन चली जाती है, तो आपको ऐसे केस में तुरंत सनस्क्रीन दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। लास्टली बात करूँ तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे BB क्रीम अप्लाई करनी है या नहीं करनी है।
वेल ये बीबी क्रीम नहीं, ये सनस्क्रीन है, बस क्योंकि ये हमारे स्किन शेड की है तो आपको इजी होगा ब्लेंड करना और ये थोड़ी देर में आपके स्किन में एडजस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा सनस्क्रीन है। तो जो वाइटनेस का प्रॉब्लम होता था या जो ज़्यादा ब्लेंड करने की दिक्कत होती थी सनस्क्रीन के साथ, वो आपको इसके साथ नहीं होगी। फाइनली मैंने ऑक्सीडेशन टेस्ट भी किया है, वैसे बनता नहीं है क्योंकि ये सनस्क्रीन है पर काइंड ऑफ टिंटेड है, तो देखने के लिए कि इसका शेड चेंज होता है कि नहीं। वेल यस, इसका शेड चेंज होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क हो जाती है और आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ये आपको बहुत लाइट लग सकता है इसका शेड, पर थोड़ी देर बाद आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। सो गाइस, ये था वीडियो। अगर फाइनली मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। इस टाइम पे मैं सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं करती, कोई नहीं मतलब है सनस्क्रीन करने का, पर ये सनस्क्रीन एक ऐसा सनस्क्रीन है जो कि हमेशा हर कोई उम्मीद करता था कोई बना दे और जो कि लैक्मे ने बनाया। ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो कि मेकअप करते हैं या जो मेकअप नहीं करते हैं। अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जो सनस्क्रीन लगाना, अच्छी सनस्क्रीन लगाने के चक्कर में एक वाइट कास्ट जो आपके फेस पे छोड़ देता था उसका प्रॉब्लम रहता था, उसको ढकना होता था, तो इसके साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फटाफट आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, आपको कवरेज भी देगा और आपको मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप मेकअप करते हैं तो ये बहुत ईजिली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा कवरेज देगा और आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से देखें तो सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा है। सो यस गाइस, दिस वॉज अ वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड या बाय।